हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। शाम के 7 बजने वाले हैं एंड हमारी ट्रेन जो है वो झांझा स्टेशन से निकल चुकी है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर चेक करें। तो वहाँ से स्टेशन से हमारी निकल चुकी थी ट्रेन और थोड़ी दूर जाके ही हमारी ट्रेन रुक गई थी। एक ऐसे जगह पे रुकी हुई थी जहाँ सामने शायद कोई दिक्कत आ गई थी ट्रेन में, तो बहुत देर तक रुकी हुई थी। बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिस जगह पे रुकी हुई थी वो जगह बहुत ही अजीब था। इतनी गर्म हवा आ रही थी सामने वाली ट्रेन से कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट फाइनली वहाँ से ट्रेन खुलने के बाद हमारी ट्रेन रुकी जसीडी स्टेशन पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो था वो था मधुपुर जंक्शन। शाम हो गई थी, यानी कि मतलब शाम नहीं, पूरा रात होने वाला था। बहुत ज़्यादा रात तो नहीं बट रात स्टार्ट हो गया था और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था। बिजली बहुत ज़ोरों से चमक रही थी तो देख के डर भी लग रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गई थी और बहुत तेज़ बारिश आई थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो बारिश बहुत तेज़ आई थी। इस वीडियो में मैंने पूरा रिकॉर्डिंग नहीं किया और स्लीपर का यही दिक्कत होता है, बारिश जब होती है तो पानी अंदर की तरफ आ जाता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यही नुकसान है स्लीपर वगैरह में टिकट कराने का। तो पानी अंदर आ रहा था तो मैंने विंडो जो है बंद कर दिया था, इसलिए मैंने वैसे रिकॉर्डिंग नहीं किया। जब बारिश थोड़ी स्लो हो गई थी तो मैंने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन किया अपना। देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेशन भी आ चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चित्रकारी की हुई थी, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये स्टेशन चित्रंजन क्रॉस हो गया था हमारा एंड उसके बाद आया आसनसोल जंक्शन। आसनसोल जंक्शन आया तो देख के यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इधर बारिश हुआ है। स्टेशन एकदम क्लीन था तो देख के बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि यहाँ पे बारिश हुआ है। पता नहीं यहाँ बारिश हुआ है कि नहीं, मुझे पता नहीं था। यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन का, उनका शायद लेट नाइट में ट्रेन हो या फिर जो भी हो। और बारिश उसके बाद बंद हो गई थी और आप समझ सकते हैं अचानक से बारिश आए और फिर बारिश बंद हो जाती है तो ऐसा वेदर बहुत ही गंदा सा हो जाता है, अजीब सा उमस टाइप, और पूरा फेस एकदम चिपचिपा सा हो रखा था। एकदम हालत ख़राब हो गया था मेरा। एंड नेक्स्ट स्टेशन जो था वो था अंडाल। तब ऐसा फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिर भी इधर भी वेदर ख़राब था तो शायद इधर भी बारिश हुआ वो पता नहीं। एंड देन ये लाइटिंग वाला जो पोर्शन था, मतलब जो एरिया था, वो स्टार्ट हो गया था। देखने में बहुत अच्छा लगता है और टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाता है। बचपन से जब भी हम इधर आते थे तो हम रात को सोते ही नहीं थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था चारों तरफ लाइट वगैरह देख के। एंड फाइनली आ चुके थे हम अपने स्टेशन पे जहाँ हमें उतरना था। सब लोग सो रहे थे इसलिए हमने लाइट ऑन नहीं किया एंड यहाँ पे उतर रहे हैं हम ट्रेन से। हमारा स्टेशन आ चुका था एंड जो स्टेशन मुझे आना था वो था दुर्गापुर स्टेशन। यहाँ बहुत बार आते हैं हम तो सब कुछ पता ही था, तो बहुत टाइम नहीं लगा हमें। हमें दूसरी वाले प्लेटफॉर्म पर जाना था तो हमें या तो सीढ़ियों से जाना था या तो फिर स्केल्टर से हम लोग गए। तो यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर चलने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसा ट्रेन में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया था। फेस देख सकते हैं आप, अजीब सा हो गया, चिपचिपा सा, ऑयली एकदम चिपकू सी, तो अजीब ही लग रहा था। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया एंड हमने ब्रिज जो है वो क्रॉस किया क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना था। तो यहाँ फिर हम आ चुके थे नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे पैसेंजर थे और इधर बारिश जैसा कुछ लग नहीं रहा था। और सामने कुछ फैमिली देखी मुझे जो फ़ोटोशूट करा रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख के। एंड हम चुके थे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे, यानी कि दुर्गापुर स्टेशन। बाहर से देखने में जो कुछ इस तरीके से है, देखने में स्टेशन है बहुत अच्छा सा है, लेकिन मतलब सफाई मुझे लगता है यहाँ पे कम है। बाहर अंदर जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म था वो साफ सफाई ज़्यादा है, लेकिन बाहर उसके अकॉर्डिंग सफाई थोड़ी सी कम है। और फिर यहाँ पर हम कुछ देर तक वेट किए क्योंकि हमारी गाड़ी आने वाली थी। एंड फाइनली हम निकल चुके हैं स्टेशन से घर के लिए अपने, जहाँ हमें जाना था। एंड देख सकते हैं आप इधर ये पीली टैक्सी बंगाल की, मतलब फेमस है कि अगर येलो येलो टैक्सी उधर बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। फिर यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे, यहाँ पे कुछ काम था, उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए। और यहाँ पे रात हो गया था, प्रॉपर पहुँचते पहुँचते आई थिंक 12 बज गए थे, 12 या 12:30 हो रहे होंगे। तो हम ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं थी इसलिए हम टाइम पे आ गए थे, अपने स्टेशन पे पहुँच गए थे टाइम पे। बट थोड़ा सा गाड़ी का वेट करने में थोड़ा सा हमारा लेट हो गया। एंड ये वो रास्ते हैं जैसे देखने में ऐसे टीवी में मूवीज़ में भूत वगैरह का सीन में ऐसे दिखाता है, दोनों तरफ पेड़ हो एंड सिर्फ रास्ते दिख रहे हो। तो मैंने इसका भी रिकॉर्डिंग कर लिया था। एंड फाइनली
थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ मैं, इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुझे पता था कब कहाँ क्या आने वाला है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। और ये पेड़ पौधे भी रात को इतने खूबसूरत कलर आ रहा था, ऐसा लग रहा है फ़िल्टर किया हुआ है, मतलब फ़िल्टर मैंने लगाया हुआ है, बट विदाउट फ़िल्टर ही आप देख सकते कितना सुंदर ग्रीन कलर आ रहा है। तो मैंने इन रास्तों का भी रिकॉर्डिंग कर लिया। एंड फाइनली हम पहुँच चुके थे दुर्गापुर ग्रुप सेंटर, CRPF पहुँच चुके थे। यहीं पर हमें जाना था अपने भैया के यहाँ, तो हम आ चुके थे कैंपस के अंदर। और कैंपस का अंदर का माहौल एक अलग ही होता है, चाहे कोई भी कैंपस हो, डिफेंस आर्मी वगैरह हो या फिर CRPF वगैरह हो, कैंपस के अंदर का माहौल जो है वो बहुत ही अलग सा होता है। एंड हम आ चुके थे अपने रूम पे, और ये बच्चे जो है अब तक जगे हुए थे, इतने लेट तक वेट कर रहे थे हम लोगों का। तो फिर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।